देखा था लिंग निर्धारण में, मनुष्य का लिंग निर्धारण और थोड़ा पक्षियों के बारे में हमने देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण जो है, पहले क्या माना जाता था कि इनमें भी एक्स एक्स और एक्स वाई, यानी ये मेल होता है और ये फीमेल होता है, पर ऐसा नहीं होता है। इनमें होता क्या है, आपको दो प्रकार के क्रोमोसोम बताए जाएंगे। एक तो होते थे क्या, ऑटोसोम्स, और दूसरे क्या होते थे, एलोसोम्स। यानी एक तो काई गुणसूत्र होते थे और दूसरा लिंग गुणसूत्र होते थे। यहाँ पे क्या है, जो ऑटोसोम्स और एलोसोम्स का अनुपात निर्धारित करता है कि जीव मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पे एक्स अपॉन एक रेशो बताता है क्या होगा। अगर एक्स अपॉन एक का रेशो आता है 0.5 तो होता है क्या, मेल, और अगर रेशो आता है 1 तो होती है फीमेल। अगर रेशो आता है 0.5 से 1 के बीच में, अनुपात अगर आ रहा है 0.5 से 1 के बीच में, यानी वो हो सकता है क्या 0.66 होता हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक से कम होगा। अगर ये कंडीशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गाइनेंड्रोमॉर्फ बोलेंगे, इंटरसेक्स सीधा सीधा बोल सकते हैं, इंटरसेक्स बोल सकते हैं। यानी ना तो वो मेल होगा ना ही फीमेल होगा, बीच की कंडीशन आ जाएगी। और इस बीच की कंडीशन में हो सक क्या हो सकता है, वो जो मक्खी है उसका जो अगला हिस्सा है, अगले वाला भाग है, अग्र भाग होता है, वो क्या होगा, मेल का होगा, और जो फर्स्ट भाग होता है, पोस्टीरियर भाग होता है, वो किसका होगा, मेल का होगा। आपको याद रखना है ये सिंबल तो फीमेल का होता है और ये सिंबल मेल का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अगर आपके पास में यहाँ पे देखते हैं, अगर एक्स क्रोमोसोम की संख्या एक है और ऑटोसोम्स की संख्या दो है, तो हमारा क्या आएगा, 1/2, यानी कि हमारा रिजल्ट आता है 0.5, यानी कि वो जो मक्खी होगी वो क्या होगी, मेल होगी, क्या होगी, मेल होगी। और यदि रेशो आता है क्या, अगर है दो ही एक्स है और दो ही ऑटोसोम्स है, तो रिजल्ट आएगा क्या, 2/2 अगर देखेंगे तो आएगा 1, यानी कि वो क्या होगी, फीमेल होगी। अगर इस 0.5 से नीचे चले, यानी इस x के साथ में क्या आ जाता है, नीचे 3 ऑटोसोम्स आ जाते हैं, यानी कि ये हो जाता है क्या 1/3, और ये क्या आएगा, ये आ जाता है 0.33, यानी 0.3 अगर आता है तो ये यहाँ पे नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल है, ये क्या हो जाएगा, मेटा मेल हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे हम टेबल बना के देख लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। टेबल अगर हम बनाएंगे यहाँ पे देखिए, एक साइड में हम लिख लेते हैं क्या, एक्स क्रोमोसोम, दूसरी साइड में हम लिख लेते हैं क्या, ऑटोसोम्स, यानी कि ए और एक्स, और यहां पे आ जाता है एक्स अपॉन ए, और यहां पे आ जाता है क्या, रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे एक एक्स है और यहां पे दो ऑटोसोम्स है, यानी कि ये आता है 1/2, तो रिजल्ट आ रहा है हमारा क्या 0.5, यानी कि होगा क्या, मेल। और अगर है एक एक्स और यहाँ पे 3 ऑटोसोम्स, यानी कि 1/3 हो जाता है 0.33, तो ये हो जाता है क्या, मेटा फीमेल हो जाता है। और अगर दो ही एक्स क्रोमोसोम है और दो ही ऑटोसोम है, यानी कि 2/2 आ जाता है 1, ये हो जाता है क्या, फीमेल। और अगर ये हो जाए इस तरीके से, यानी 3/2, तो आएगा क्या, सॉरी 1.5 अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा क्या, मेटा फीमेल। और
कट जाता है पॉइंट, अगर ये हो जाता है बीच का कंडीशन हो जाए, अगर हो जाती है बीच की कंडीशन, ना तो पॉइंट फाइव रहे और ना ही एक रहे, एक और पॉइंट फाइव के बीच में क्या आना चाहिए, एक और पॉइंट फाइव के बीच में आएगा क्या, अगर आता है आपका पॉइंट सिक्स और पॉइंट सिक्स अगर आपका आता है तो होगा क्या, यानी कि ये हो जाता है क्या टू बाई थ्री, और ये आएगा पॉइंट सिक्स, यानी कि ये हो जाता है क्या इंटरसेक्ट से हो जाता है, यानी गाइड एंड रोमोफ हो जाता है। तो सीधा सा बात ये है कि एक्स क्रोमोसोम तो जो है वो होता है फीमेल एक्स के लिए, और जो ऑटोसोम्स जो होते हैं यानी ए जो है वो होता है मेल एक्स के लिए। जैसे कि ए क्रोमोसोम की संख्या बढ़ते हैं इन कंपेरिजन टू एक्स क्रोमोसोम, तो होता है क्या मेल, और अगर ऑटोसोम के बजाय एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ाए तो हो जाती है क्या फीमेल। तो ये होता है ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। इससे आगे हम देखेंगे अगली क्लास में कि लिंकेज यानी सहलग्नता क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है। चलिए हम पहले क्रॉसिंग ओवर पढ़ लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। अभी क्या पढ़ना है हमें, क्रॉसिंग ओवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं जी विलीन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा लास्ट ईयर 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा क्या कोशिका विभाजन, या बोल सकते हैं कोशा विभाजन, ये आपने पढ़ा होगा। ये होता कितने तरह का है, दो तरह का होता है, एक तो होता है माइटोसिस, माइटोसिस, और दूसरा होता है क्या मियोसिस। तो जो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होता है वो मियोसिस के अंदर होता है, इसके अंदर होता है मियोसिस के अंदर होता है। मियोसिस में दो फेजेस होते हैं, एक तो लेते हैं हम प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, वहां पे जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज आती है पैकेटिंग, पैकी तीन स्टेज आती है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। यहाँ पे होती है लेकिन वो जो विजिबल होती है यानी जब दिखाई देती है तो स्टेज आ जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है प्रोफेज की डिप्लोटी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है। ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से होते हैं, एक क्रोमोसोम हम ब्लैक कलर का देखते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या है, दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी के समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, ठीक है। इसमें होगा क्या, यहां पे जो दोनों ही क्रोमोसोम होते हैं प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिंग, सॉरी जाइगोटीन अवस्था में दोनों पास पास आकर क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं, उस क्रिया को हम बोलते हैं क्या सिनेप्सिस। जब दो संजात गुणसूत्र आकर पेयर बना ले तो उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस, और ये अट्रैक्शन की वजह से आकर्षण की वजह से होता है। इन्होंने ये बना लिए, होगा क्या इसके बाद में ये कुछ भागों पर तना निपट जाते हैं, कुछ इस तरीके से क्या होगा, कुछ भागों पर निपट जाएंगे। यहां पे देखिए ये निपट गए, अब देखते हैं ये जो है आपस में कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, और ये अगर इन दोनों की बात करें ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। अगर एक ही क्रोमोसोम के दो भाग है तो ये सिस्टर।
सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, अगर अलग अलग क्रोमोसोम के दो भाग हैं तो ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, जब इसमें रिपल्सर फोर्स लगेगा यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये एक दूसरे से खींचेंगे, और कौन सी स्टेज पे हो रहा है, ये काम पैकेटीन में हो रहा है, और ये जो सिनेप्सिस की क्रिया हो रही है ये हो रही है जाइगोटीन में, ये हो रही है जाइगोटीन में, और पैकेटीन में ये आपस में निपट चुके हैं और इनमें क्या लगेगा, रिपल्सर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तनाव होगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, और जब ये एक दूसरे से लिपटे हुए हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जहां से लिपटे हुए हैं उनकी क्या हो जाते हैं, कुछ टुकड़े टूट जाते हैं और उनका एक्सचेंज यानी एक का टुकड़ा दूसरे में जुड़ जाता है, दूसरे का पहले में जुड़ जाता है। देखिए कैसे अलग होने के बाद में क्या कंडीशन आएगी, अलग होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसका भाग तो इसमें जुड़ गया इस तरीके से, देखिए एक्सचेंज हो गया है, किसकी वजह से, जीन विनिमय, जीन का मतलब, विनिमय का मतलब अदला बदली हो रही है। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा कि प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन प्रावस्था में संजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में कुछ खंडों की अदला बदली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय बोलते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर में मतलब होगा क्या कि पैकेटीन प्रावस्था में गुणसूत्र के संजात गुणसूत्र के संजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में कुछ भागों की अदला बदली होती है। ये क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा, और ये भी कहां पे होगा, अर्धसूत्री विभाजन में होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था में ये क्रिया होती है। और ये अगर आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट ईयर सेल डिवीजन आपने अगर पढ़ा है तो आपको क्रॉसिंग ओवर भी याद होगा। अब हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ चुके हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लिंकेज यानी सहलग्नता क्या होता है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।